राजधानी रांची से लेकर उपराजधानी दुमका तक जिस्म फरोशी का धंधा खुलकर चल रहा है। चमचमाती होटल के अंदर काले कारनामे होते हैं। अब तो सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होने लगे हैं। क्या धंधे की जानकारी उन्हें नहीं होती या इसके पीछे कुछ और खेल है। हालांकि बीच बीच में जरूर छापेमारी कर गिरफ्तारी होती है और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का पुलिस दावा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई होटलों पर रशोक और सेटिंग के दम पर धंधा फल फूल रहा है। ताजा मामला उपराजधानी दुमका से सामने आया है, जहां बीती रात होटल JDN में SDM कौशल कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम पहुंची थी, जहां होटल में संचालित कई गैर कानूनी कारोबार से पर्दा उठ गया। पुलिस ने होटल से एक जोड़ा सहित कुल 5 लोगों को अपने साथ थाना लेकर पहुंची, जहां पूछताछ के दौरान कुछ जोड़ों ने कहा कि दोनों बालिग हैं और लिव इन रिलेशन में है। हालांकि जोड़े भले ही अपने आप को लिव इन रिलेशन में कहे, जिसके बाद पुलिस ने देर रात ही जोड़े को PR बॉन्ड पर छोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस की टीम होटल सूर्या पैलेस में भी छापेमारी की। कमरे तक शराब पहुंचाने की परंपरा इस होटल में भी बदस्तूर जारी दिखा, जो कि कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम कहें कि दुमका में भी एक कॉल पर लड़कियां उपलब्ध हो जाती हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। बस आपका पॉकेट गर्म होना चाहिए, जिसके बाद होटल संचालक आपसे डॉक्यूमेंट की मांग तक नहीं करेंगे। आप क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उसे होटल संचालक को कोई मतलब नहीं है। अगर आप लड़की लेकर पहुंचते हैं तो आपकी फरमाइश पर होटल में शराब और कबाब भी कमरे तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिलहाल दुमका पुलिस इन पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दुमका पुलिस को होटल में चल रहे शराब, शबाब और कबाब की जानकारी नहीं थी।